मैंने कल आपसे कहा था कि असली कश्मीर सिर्फ डल झील और श्रीनगर के डाउनटाउन में नहीं बसता। कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग के तीसरे हिस्से में आज मैं आपकी मुलाकात उन छोटे छोटे बच्चों से कराऊंगा जो रहते तो हैं ठीक पाकिस्तान की नाक के नीचे, लेकिन उनकी हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली आवाज पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर कश्मीर के उन डरपोक आतंकवादियों के कानों तक पहुंचती है जो भारत को तोड़ने की धमकी देते हैं। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और उन्हें आप जिस आकार में ढालेंगे वो उसी आकार में ढल जाएंगे। इसके दो उदाहरण आज कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो बच्चे और नौजवान हैं जिनकी रगों में देशद्रोह का जहर भरा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कश्मीरी नहीं बल्कि पूरे देश का सुनहरा भविष्य है, और ये बच्चे भारत की भक्ति को ही अपना धर्म और ईमान मानते हैं। असली कश्मीर की तलाश में जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा कश्मीर की गुरेज घाटी के नीरू गांव पहुंचे, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। वहां पहुंचने पर जी न्यूज की टीम को जो तस्वीरें दिखाई दी वो आज पाकिस्तान की भक्ति में डूबे पत्रकारों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों को 440 वोल्ट का झटका देगी। ये झटका उन छात्रों को भी लगेगा जो दिल्ली में बैठकर आपकी और हमारी मेहनत की कमाई पर देश विरोध का क्रैश कोर्स करते हैं और देश विरोधी भावनाओं को हवा देते हैं। ऐसे सभी लोगों को आज असली कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे आजादी की असली परिभाषा का पाठ पढ़ाएंगे। वो आपको आजादी की असली पाठशाला में लेकर जाएंगे। यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि बच्चे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की तरह एजेंडा नहीं चलाते, वो बिना किसी मिलावट के अपने दिल की बात कह देते हैं। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आजाद हैं। हमारा भारत अच्छा है। अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको हटाना है। हम हमारे इलाके में नहीं आने देंगे। उनको तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मेहनत करेंगे अपने भारत के लिए। ये सब ज्वाइन करना चाहती है? वहाँ जाकर हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। आज असली कश्मीर के बच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अलगाववादियों और पत्थरबाजों के लिए देशभक्ति की जरूरी क्लास। आपको कभी लगा कि आप आजाद नहीं है इस देश में? कभी लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा क्यों है? अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हमारा हक जो ये हमारा हक है पढ़ाई का, हमें हक नहीं दिया जाता। देशद्रोही छात्रों, अलगाववादियों और पत्रकारों को कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों की मुफ्त सलाह। बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की, आरा भारत ये कहे, प्यार की गंगा बहे। कल असली कश्मीर का वर्तमान देखा, आज असली कश्मीर के भविष्य की बात सुनी। किसी देश के सुनहरे भविष्य में उसके युवाओं का वर्तमान और बच्चों के भविष्य की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आज धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में युवाओं के वर्तमान पर कुछ मौका परस्त लोगों ने बड़े बड़े पत्थर डाल रखे हैं। वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन की बंद गलियों में कश्मीर के भविष्य को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के बजाय गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कश्मीर का यह भविष्य अपने ही देश से आजादी की मांग कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा,
कि गलती इन मासूम बच्चों की नहीं उस विचारधारा की है जो इनकी नसों में काफी भीतर तक भर दी गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही है कश्मीर का असली भविष्य तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल पास बसे भारत के एक गांव नीरू में लेकर चलते हैं जहां आपको सही मायने में कश्मीर में भारत दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज हम आपको असल कश्मीर की तस्वीर दिखाने वाले हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं वहां से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। कश्मीर के लोग वाकई असल में सोचते क्या हैं? यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिंदुस्तान को लेकर क्या कहते हैं? क्या यहाँ पर आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं? यहाँ का यूथ क्या कहता है? क्या उसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है? सुरक्षा बलों को लेकर जो बात दिल्ली में कही जाती है उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या कहते हैं? BSF को लेकर के लोगों की ज़ुबान पर बहुत सारी बातें हैं, क्या कहते हैं लोग BSF को लेकर? चलिए आज चलते हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए, उनकी मासूम आंखों के जरिए कश्मीर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कश्मीर है क्या। एक तरफ श्रीनगर का डाउनटाउन और उसके आसपास का इलाका है जहां बच्चों को देशद्रोह की शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ ठीक पाकिस्तान की नाक के नीचे बसे इलाके में बच्चों को ABCD के साथ साथ आई फॉर इंडिया का पाठ पढ़ाया जाता है। आज पूरे देश को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि जब इन बच्चों से भारत के इतिहास और वर्तमान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो सबके मुंह से बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब मिलता है। हमें यकीन है इन बच्चों के जवाब सुनने के बाद अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। हमारे मुल्क का क्या नाम है? इंडिया। हिंदुस्तान। इस्लाम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो कंट्री इंडिया है, इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको हम कहते हैं, ये कब आजाद हुआ, कब ये इंडिपेंडेंट बना, इसको मालूम है? शाबाश। 1947। तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? आज हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे हो कि इस क्लास में हम आखिर क्यों ये मामूली से सवाल आपको सुना रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनाब ये मामूली सवाल नहीं है। जिस जगह खड़े होकर के हम आपको ये सवाल सुना रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई है, असल कश्मीर है, और वहाँ पर ये स्कूल जहाँ बच्चों को भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इन सवालों के ज़रिए आज एक करारा जवाब मिलेगा उन लोगों को जो कि कश्मीर को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। इन बच्चों को ध्यान से देखिए, इनमें से ना तो किसी को आज़ादी चाहिए और ना ही किसी को पत्थरबाजों से कोई लेना देना है। इनके लिए तो इनका हिंदुस्तान ही सब कुछ है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भारत की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है, कोई भारत की सेवा करना चाहता है, तो कोई सेना और BSF में शामिल होकर देश के भीतर और बाहर बैठे दुश्मनों की अकल ठिकाने लगाना चाहता है। सबसे पहले तो इन बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि क्या सोचते हैं आप भारत के बारे में, क्या सोचते हैं पहले तो ये बताइए, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा भारत अच्छा है, हमारा भारत तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मेहनत करेंगे अपने भारत के लिए। क्या क्या करना चाहते हैं भारत के लिए बताइए पहले। भारत के लिए आर्मी से जो यहाँ पे मिलिट्री यहाँ पे जो भर्ती होती है वो इंक्रीज होनी चाहिए गुरेज में, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छी रेस करते हैं बाकी लड़कों से बेटर होते हैं, यहाँ के एजुकेशन लेवल भी हाई होती है। अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर हमें मौका नहीं दिया जाता, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे मौका। क्या बनना चाहते हैं आप ये बताइए? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं या BSF में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं? आप सब लोग BSF में जाना चाहते हैं? आप भी जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं बताइए। BSF में बहुत अच्छा जाना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे दुश्मन आते हैं उनको हटाना है। अच्छा, कैप तो थोड़ी ऊपर कीजिए तो शक्ल दिखेगी आपकी। हाँ, अब बताइए। और दुश्मन को खत्म करना चाहिए क्योंकि वो हम पर जुल्म न करे। अच्छा, अब इस स्कूल में बैठ करके एक सवाल पूछना बड़ा लाजमी बनता है, हालांकि ये बच्चे छोटे हैं और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं उनसे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूरा देश ये
इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, इस वजह से इस सवाल को इन बच्चों से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं तो कुछ अलगाववादी नेताओं से पूछते हैं, कुछ चंद लोगों से पूछते हैं और उसे पूरे कश्मीर का मैंडेट बताते हैं, कहते हैं कि ये पूरी कश्मीर चाहता है। क्या आप लोग इस बात को समझते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, क्या आप लोग आज़ादी चाहते हैं? क्या आप कश्मीर को आज़ाद चाहते हैं या भारत के साथ जैसे है उसी हिस्से के साथ जुड़ा हुआ वैसे ही चलना चाहिए? नहीं, ये बहुत गलत है। कोई कुछ लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, मगर हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आज़ाद हैं, हमें जो ऑल राइट्स होते हैं वह हमें मिलते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान में जो आजकल खराबी हो रही है, आतंकवाद का जो खतरा है वो आजकल पाकिस्तान में बढ़ता ही जाता है, इसलिए हम अपने लिए खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि हम पाकिस्तान से अगर जुड़ जाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट की जो लेवल है वो कम हो सकती है। आपको कभी लगा कि आप आज़ाद नहीं है इस देश में, कभी लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा क्यों है? अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हमारा हक जो ये हमारा हक है पढ़ाई का, हमें हक नहीं दिया जाता, हमें सड़कों पर फेर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, मगर हमें ये राइट्स नहीं दी जाती, तो जब हमें ये राइट्स दी जाती है तो हम कह सकते हैं वी आर फ्रीडम। क्या नाम है आपका? मंजूर। मंजूर, तो जे एन यू में एक प्रोफेसर साहिबा हैं जहाँ तक मुझे याद आता है, एक दिन वो अपने ऐसे ही कुछ परम प्रिय शिष्यों को लेकर के ज्ञान दे रही थी कश्मीर के बारे में, तो वो प्रोफेसर साहिबा अपने परम प्रिय शिष्यों, खासतौर से मैं जिक्र करूँगा कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोगों का, ज़रा उनको इन बच्चों की, मंजूर की ये बात ज़रूर सुनवाएं, कान खोलकर सुनवाएं, तब उनको समझ में आएगा कि कश्मीर चाहता क्या है और वो जो वहाँ बैठकर समझा रहे हैं वो कौन लोग चाहते हैं। कश्मीर के इस हिस्से में सुविधाओं की भारी कमी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के सुनहरे भविष्य और भारत की तरक्की के रास्ते में मौजूद हर पत्थर को हटाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।